हेलो एंड वेलकम टू आरपीयू चैनल, जहां मैं आज लेकर आई हूं बेस्ट रिव्यूड मूवीज ईयर 2022 की। 2022 में फिल्म स्लेट पर सबकी नजर थी, क्योंकि 2022 में पैंडेमिक लॉकडाउन के बाद से फर्स्ट टाइम थिएटर्स फुल कैपेसिटी में खुल पाए थे। ईयर स्टार्ट हुआ था एक जोरदार स्क्रीन के साथ जनवरी में, जो की एक फर्स्ट सर्टिफाइड फ्रेश मूवी बनी इस फ्रेंचाइजी की, जो की लास्ट आई थी 1997 में। बसंत के मौसम में हमें हिट्स की एक सीरीज देखने को मिली, जिसमें इंक्लूड है डार्क क्राइम एपिक मूवी द बैटमैन, कॉमेडी एनिमेटेड मूवी टर्निंग रेड जो भी पिक्सार की तरफ से थी, और दो मूवीज फ्रॉम A24 की तरफ से आई थी, हॉरर थ्रिल मूवी एक्स और दूसरी एक्शन कॉमेडी मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो कि A24 की बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट बनी। 2022 में मूवीज की बातें खत्म नहीं हो सकती अगर हम बात ना करें टॉप गन के बारे में। इसके थिएटर्स में आने के बाद ये थिएटर्स में छा गई और जिसने रिकॉर्ड सेट कर दिया और बिलियन डॉलर्स बनाए थे। और भी बढ़िया मूवीज लास्ट ईयर में देखने को मिली, जिसमें से थी एडम सैंडलर की मूवी हसल, प्रीडेटर का प्रिक्वल प्रे, रॉबर्ट ईगल्स की नॉर्थमैन, जॉर्डन पील की नो, और एक जबरदस्त एक्शन एनिमे मूवी जुत्सुजु कैसन जीरो। यहाँ हमें ये भी देखने को मिला कि एनिमे क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस में कैसे धमाल मचा रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस्ट रिव्यूड मूवीज ऑफ द ईयर 2022। 10th पर है लूनाना अ यार्क इन अ क्लासरूम। ये एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है, जो कि एक एस्पायरिंग सिंगर की स्टोरी है, जो अपने ग्रैंडमदर के साथ रहता है भूटान पर, जिसका ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया में रिलोकेट होना। और लूनाना अ यार्क इन द क्लासरूम एक सिंपल स्टोरी है विद अ बिग हार्ट और इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस कम्युनिकेशन को अच्छे से दिखाता है। नंबर 9th पे है टू लेस्ली। ये ड्रामा मूवी है जिसमें लेस्ली नाम की एक सिंगल मदर है, जो वेस्ट टेक्सास में रहती है, जो स्ट्रगल कर रही है अपने बेटे के साथ। जब वो लॉटरी जीत जाती है तो वो एक अच्छी लाइफ जीने का उसे चांस मिलता है, पर कुछ सालों में ही उनका पैसा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब वो दोबारा एक हार्ड लाइफ जीने को मजबूर हो जाते हैं, अपने फॉर्मर फ्रेंड्स नैसी और डच के पास वापस चले जाते हैं। ये मूवी बहुत ही सेंसिटिव मूवी है और हमारे एडिक्शन को अच्छी तरह से पोर्ट्रेट कर दिखाती है। नंबर 8 पर है जुजुत्सु काइजन जीरो द मूवी। ये एक्शन एडवेंचर एनिमे मूवी है, जहाँ रिका का ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है उसी की क्लोज फ्रेंड यूटू के आंखों के सामने, जहाँ दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि दोनों बड़े होकर एक दूसरे से शादी करेंगे। आगे चलकर यूटा कैसे इन सब से कोप करती है, इसको अच्छी तरह से दिखाया गया है इस मूवी में। नंबर 7th पर है द क्वाइट गर्ल। ये ड्रामा मूवी आयरलैंड में 1981 में बेस्ड है। यहाँ 9 साल की केट है, जो अपने ओवरक्राउडेड और डिफंक्शनल फैमिली से दूर होकर एक फॉस्टर पेरेंट्स के साथ समर में भेज दी जाती है। वो अपने स्कूल और घर में स्ट्रगल कर रही होती है और ये मूवी ऑफर करती है एक सिंपल रिमाइंडर कि छोटी सी स्टोरी भी एक बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ सकती है। नंबर 6th पर है टिल। ये ड्रामा इमोशनल और सिनेमेटिक फिल्म ट्रू स्टोरी में बेस्ड है मामी टिल की, जो जस्टिस को खोज रही होती है अपने 14 साल के बेटे एमिट के लिए। वो 1955 में बहरेमी से पीट पीट कर मार दिया गया था, जब वो अपने कजन को विजिट कर रहा था मिसिसिपी पर। यहाँ हम देख सकते हैं एक मदर की एबिलिटी, जहाँ वो पूरे वर्ल्ड को कैसे चेंज कर देती है। नंबर 5th पर है द बेंसीज ऑफ इंसरिन। ये कॉमेडी ड्रामा एक रिमोट आइलैंड को दिखाता है आइलैंड के। यहाँ दो फ्रेंड्स हैं पैट्रिक और कोम की कहानी, जहाँ कोम अपनी फ्रेंडशिप को एंड करना चाहता है। ये एक फाइनेस्ट वर्क और दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखी जा सकती है, जहाँ डार्क कॉमेडी के साथ एक बेहतरीन हिडन मैसेज भी देता है। नंबर 4th पर है गर्ल पिक्चर। ये एक ड्रामा रोमांटिक मूवी है, जिसमें तीन बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी दिखाई गई है, जो फिनलैंड में रहते हैं और अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं, जहां वो अपने ड्रीम्स, रियलिटी, फ्रेंडशिप और इन सब के बीच सेंस को खोज रहे होते हैं। और यहां पर इस स्टोरी काफी सेंसिटिव हो जाती है, जहां टीनेजर्स के इमोशंस अच्छी तरह से कैप्चर किए गए हैं बिना नरेशन की मैच्योरिटी और उसके डेप्थ को खोए बिना। नंबर 3rd पर है मार्शल द सेल विद द शू ऑन। ये एक कॉमेडी एनिमेशन मूवी है, जिसमें मार्शल प्यारे से अडोरेबल एक इंच लंबे शल है, जो अपनी ग्रैंडमदर कोनी और पेट एलन के साथ अपने पेरेंट्स को सर्च करने के लिए जर्नी शुरू करता है। पर जब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ये डिस्कवर करता है, तो वो एक शॉर्ट फिल्म पोस्ट करता है ऑनलाइन, जिससे मार्शल के मिलियंस फैन बन जाते हैं। ये एक मजेदार हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, जो छोटे छोटे कनेक्शन को अच्छी तरह से जोड़ देती है। नंबर 2nd में है हैपनिंग। ये फ्रेंच ड्रामा मूवी 1963 पर सेट है, जहां एनी एक ब्राइट यंग स्टूडेंट हुआ करती थी, पर जब वो गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है तो अपनी लाइफ की सारी अपॉर्चुनिटीज को खत्म होते हुए देखती है। यहां उसके एग्जाम डेट्स पास आ रही होती और वहीं उसका पेट भी बाहर निकल रहा होता है। एनी ये सब रिजोल्व करने के लिए क्या क्या करती है, ये देखने में बहुत ही टफ और आई ओपनिंग था। नंबर 1 पर है नो बियर्स। ये ड्रामा रोमांटिक पर्शियन मूवी टू पैरेलल लव स्टोरी को पोर्ट्रेट करता है, जहां दोनों लवर्स छुपते हुए कुछ बाधाओं और अंधविश्वास से परेशान हो जाते हैं। मूवी के पॉइंट्स ईरान के कम फ्रीडम गवर्नमेंट और मिलिट्री के पावर और इंडिविजुअल्स का क्या रोल है सिस्टम में, ये गेन करता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो एंजॉय करी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।